इसराइल हमास जंग का आज नौवां दिन है। इस बीच इसराइली डिफेंस फोर्स के 10,000 सैनिक गाजा में जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच इसराइल ने उत्तरी गाजा के लोगों को इलाका खाली करने के लिए 3 घंटे का वक्त दिया है। इसराइली समय के अनुसार लोग 10 से 1 बजे तक इलाका खाली कर सकते हैं। तब तक इसराइल की तरफ से कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। वहीं आज फिर सुबह हिजबुल्लाह संगठन ने लेबनान की तरफ से इसराइल के बॉर्डर पर इलाके शतूला में हवाई हमला किया है। इसमें एक इजरायली सैनिक की मौत भी हो गई है। इसके बाद इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी तरफ जंग में अब तक हमास के 3 टॉप कमांडर भी मारे जा चुके हैं। वहीं इसराइल ने दावा किया है कि हमास लोगों को गाजा सिटी खाली करने के से रोक रहा है। उसने जगह जगह बैरियर लगा दी है ताकि लोग शहर से बाहर ना जा सकें।